नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। बिजली कितनी जरूरी है, अगर मुझे आज ये बताना पड़े तो शायद इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो ही नहीं सकती है। शिक्षा, खाना, घर, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो शायद चौथी सबसे बुनियादी जरूरत बिजली है। यूं कहें कि अगर पहिया विकास की निशानी है, मानव सभ्यता के विकास की सबसे बड़े आविष्कार के तर्ज पर अगर पहिए को देखा जाता है तो आधुनिक मानव के विकास के बुनियाद के तर्ज पर वो पहला आविष्कार बिजली ही है। और जब उसी बिजली के लिए आपको त्राहिमाम करना पड़ेगा उस जगह पर जिस जगह के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, तो भैया इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। आज इसी विडंबना पर ठहाका लगा लगा के हंसेंगे। आप भी हंसिएगा, हम भी हंसेंगे, और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। देखिए, दिन भर में होते हैं 24 घंटे। एक विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए हमने यही पढ़ा है। होते होंगे कुछ लोगों में 48, कुछ लोगों में 62-64 घंटे, लेकिन हमारी घड़ी में 24 ही घंटे होते हैं। और 24 घंटे में से बिजली कटती है 18 से 20 घंटे। अब जब 18 से 20 घंटे बिजली कट जाती है, तब ऐसी बिजली के रहने या न रहने से क्या फायदा? ना आपका बच्चा पढ़ सकता है, ना आप जो बड़े लोग हैं वो अपना काम कर सकते हैं, ना धंधा पनप सकता है, ना पानी पनप सकता है, ना काम चल सकता है। तो ऐसे में इस बिजली का अचार लगाने के अलावा और बहुत ज्यादा कुछ ऑप्शन आपके पास बच नहीं जाता है। जब ये हमारे किसी काम की ही नहीं है बिजली, तो फिर ऐसी बिजली का फायदा क्या? और फिर आता है कोयलांचल क्षेत्र, जिसके नाम में ही कोयला है। इस कोयलांचल क्षेत्र का कोयला जो है वो पूरे देश को रोशन करता है। आप अपना छाती ठोक भी सकते हैं और छाती पीट भी सकते हैं। छाती ठोक इस बात को लेकर सकते हैं कि हमारा कोयला पूरे देश को रोशन करता है, और छाती पीट इस बात को लेकर के सकते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में तो बिजली है ही नहीं। देखिए अमीर झारखंड के गरीबी की कहानी, त्राहिमाम की दास्तान इस रिपोर्ट में। क्या करें, जिए कि नहीं जिए, ये झारखंड वासी पूछ रहे हैं। वो झारखंड वासी जो डीवीसी कमांड एरिया में रहते हैं, राज्य और केंद्र की लड़ाई के बीच में पिस रही है आम जनता। स्थिति ऐसी है कि जो छोटे उद्योग चला रहे हैं उनको तो लग रहा है कि दुकान प्रतिष्ठान उद्योग सब बंद करके चले जाएं बस हिमालय, और वहां जाकर रमा लें धुनी। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा सातों जिला, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, ये जो सातों कमांड एरिया विद्युत आपूर्ति जो डीवीसी करती है और जो अभी फिलहाल अनियमित विद्युत आपूर्ति की जा रही है, सातों जिलों में 18 से 20 घंटा बिजली काटी जा रही है, इसी के विरोध में आज सातों कमांड एरिया और सातों जिले के चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं सचिवों के साथ साथ FJCCI के अध्यक्ष सचिव के साथ साथ सातों जिलों के विधायक गणों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है आज की बैठक में। एवं जो ये विद्युत आपूर्ति की जो काटी जा रही है, अनियमित विद्युत आपूर्ति की जा रही है, इसके खिलाफ में हम लोग एक रणनीति बनाएंगे और सातों जिलों में हम लोग एक साथ धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह और जगाने का काम करेंगे। दिन भर में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसमें से 20 घंटे तो बिजली रहती ही नहीं। मतलब बिजली ना हुई दामाद जी हो गए। आते हैं तो लगता है कि बस बाहर ही आ गई है। धनबाद में तो इस बिजली के खेल के विरोध में विधायक को धरने पर बैठना पड़ रहा है। जो बिजली की जो समस्या उत्पन्न हो गई है, 24 घंटे में 15 घंटे 16 घंटे बिजली नहीं जा रही, लगातार हम लोग इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं, विधानसभा में भी आवाज उठाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बोले, विभागीय पदाधिकारियों से, यहाँ तक कि अपने नेता के नेतृत्व में JBBL के CMD एवं जो सचिव है अविनाश कुमार जी, उनसे भी हम लोगों ने मिलने का काम किया। कई एक विधायक उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा बिजली।
अब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी बिल्कुल सर से ऊपर बहने लगा, अब जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो उद्योग बिजली के सहारे ही चलते हूँ, अगर 18 से 20 घंटे बिजली कटी रहेगी तो ये उद्योग चलेगा कैसे? अब जो व्यवसायी हैं वो तो त्राहिमाम कर रहे हैं। इस कड़ी में रामगढ़ में डीवीसी कमांड के 7 जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक हुई और बैठक में आगे की रणनीति बनी। प्रकार से डीवी पूरे इन 7 जिलों के अंदर विद्युत की कटौती कर रहा है। हम लोग आज इसके विरोध में यहाँ मीटिंग आयोजित किए थे और हम लोग यहाँ निर्णय लिए हैं कि 31 तारीख को हम लोग सभी इस 7 जिलों के सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के सामने घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आने वाले 5 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके और अपनी समस्याओं के समाधान का मांग करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर इस पर भी बात नहीं बनी तो हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में जाने का भी निर्णय लिया है। वो 7 जिले जो डीवीसी का कमांड एरिया में आते हैं और हालिया जिलों में डीवीसी की मनमानी पर कटौती के चलते आम नागरिक से लेकर व्यवसायी से लेकर तमाम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार भी इस विषय में गंभीर है और हमें उम्मीद है कि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो भावनाएं अभिव्यक्त की जाएंगी वो उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक टाइम लेंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनके साथ मिलकर के इस विषय पे हम लोग बात करेंगे और ये पहल होनी चाहिए सरकार की भी, क्योंकि बिजली कटौती जो डीवीसी की तरफ से की जा रही है यहाँ जनता तो कोई परेशानी उत्पन्न नहीं कर रही है। जो बिल का भुगतान करना होता है वो पब्लिक बिल का भुगतान करती है। अब डीवीसी का क्या मामला है, सरकार का क्या मामला है, तो पब्लिक क्यों जूझे इस चीज से? ये तो थी उद्योग की बात। राज्य के शिक्षा मंत्री और डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो जब अपने क्षेत्र गए तो इलाके के लोग बिजली की फरियाद लगाने लगे। बाकी मामलों से ज्यादा बिजली की फरियाद ही पहुंचने लगी उन तक, उन्हें खुद मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। बिजली जो कमान क्षेत्र में देखते हैं और बिजली भारी कटौती है, जनता में आक्रोश है, लेकिन जो रास्ता बताए डीसी का मीटिंग कराने के लिए और जो हम डीसी से शेष पैसा पाते हैं वो भी मांगेंगे हम लोग और उसका भी बहुत जल्दी। हम इस पर कल भी बोल के आए कि बिजली के बारे में मैंने संतुलन करने के लिए हमारा जो आर पार की लड़ाई सरकार की ओर से है, जनता की ओर से है, हम लोग डीवीसी के साथ लड़ेंगे। बिजली बिना सब सून, बिना बिजली कैसे चले जीवन, हमारा कोयला और हम ही तड़पें। कब तक चलेगी डीवीसी की मनमानी, बिजली की आंख मिचौली कब तक? ये वो सवाल हैं जो झारखंड के लोग पूछ रहे हैं और कहीं से कोई जवाब मिल नहीं रहा है। स्थितियां सुधरेंगी कब, ये तो समझ से भी परे है। रामगढ़ से महावीर, धनबाद से दिलीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। बिजली कितनी जरूरी है अगर ये आज मुझे बताना पड़े तो ये तो ठहाका मार मार के हंसने वाली बात हो जाएगी। लेकिन इससे बड़ी हास्यास्पद बात मैं आपको बता देता हूं कि हम वो राज्य हैं जो पूरे देश को कोयला देते हैं। जिस क्षेत्र की समस्या हम दिखा रहे हैं, जिन 7 जिलों की हम समस्या दिखा रहे हैं, उन जिलों को मिला के ही बनता है कोयलांचल। वही वो जिले हैं जहां से कोयला निकलता है और वही वो जिले हैं जो अंधेरे में है। बताइए, चिराग तले अंधेरा तो आपने सुना था, लेकिन पूरा चिरागे यहां पर बुता दिया गया है और आप समझ रहे हैं किस पीड़ा से गुजर रहे हैं वहां के लोग। धनबाद के विधायक राज सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता अमरेश गणक साहब भी जुड़े हुए हैं। राज सिन्हा साहब के बारे में बता दूं कि राज सिन्हा साहब धरने पर बैठे हुए हैं इसी बिजली की आंख मिचौली के चलते। सबसे पहले मैं सीधा रुक कर रहा हूं राज सिन्हा जी का। राज सिन्हा साहब, लोगों को बता दीजिए कि आप काहे धरने पर बैठे हुए हैं। राज सिन्हा साहब, आवाज पहुंच रही है मेरी अब तक? हाँ हाँ, अभी अभी आ रही है। तो एक बार लोगों को बता दीजिए आपके धरने का मजमून क्या है। मेरे धरने का मजमून यह है कि आज के दिन में जानते हैं कि जीवन बिजली के बगैर नहीं है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, रोजमर्रे के काम, व्यवसाय, उद्योग सब चौपट हो गया है और पता नहीं और जो है कि क्या स्थिति है, लेकिन सुन रहे हैं कि पूरे झारखंड की स्थिति खराब हो गई है। धनबाद में तो 14 घंटे 15 घंटे बिजली कट रही है,
अब यहाँ के लोग सड़क पर आने के लिए के उतारू हैं। लोग लगातार हमको फोन आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, विधायक जी विधायक जी विधायक जी। अंततः हमने यह तय किया कि इस ठंड के रात में भी जब इतनी चिलचिलाती हवा चल रही है, हमने बार बार कितने बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी चलिए अक्रॉस द पार्टी लाइन, पार्टी लाइन से आगे हट करके अगर आप बोलते हैं तो हम लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप ले चलिए हम लोग को, जिसके पास बोलना है हम लोग बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे आपके बिहार में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा बिजली तो बिजली, पानी का भी वही हालत है। धनबाद में 65 MLD पानी का सप्लाई होता था, अभी कटौती करके उसको 40 MLD कर दिया गया। तो सोचिए न बिजली मिल रही है न पानी मिल रहा है, और धनबाद कोयलांचल बोला जाता है कि झारखंड की आर्थिक राजधानी है, कोयला राजधानी है। अब सोच लीजिए यहाँ के लोग बिजली के बगैर त्राही त्राही कर रहे हैं। मजबूर हमको 72 घंटे का हम धरना पर शांतिपूर्वक, हम अपना रणधीर वर्मा चौक पर शहीद रणधीर वर्मा जी हैं उनको याद करके, उन्होंने झारखंड के लिए शहादत दी थी तो हमने उनको याद करके और यहाँ पर धरना पर बैठे। राज सिन्हा साहब बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ कि आप जो हैं आम लोगों के लिए इस चिलचिलाती ठंड में, चिलचिलाती हवा चल रही है, सच में मुझे तो सोच करके भी लग रहा है कि कैसे बैठे होंगे आप वहां पर, तो इसके लिए तो मैं साधुवाद देता हूँ। लेकिन साधुवाद के साथ साथ एक सजेशन भी था कि DVC जो है वो केंद्र के अधीन आता है, अब बिजलियां तो DVC ही काट रहा है ना सर, तो हमको ऐसा लगता है कि जो आप धनबाद में धरना दे रहे हैं उसकी जगह अगर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सामने धरना देते तो ये ज्यादा उचित रहता, मतलब ज्यादा प्रभावी रहता, क्या लगता है राज सिन्हा साहब? नहीं देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया आपके बोलने से पहले कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, मैंने क्या और भी विधायक हमारे पार्टी के, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में हमारे विपक्ष के लॉबी में आए थे हालचाल पूछने, वहीं हम लोगों ने चर्चा किया, हम थे, मनीष जायसवाल जी थी, बिरंची जी थे और भी कई विधायक थे, हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग को ले चलिए, हम लोग चलने को तैयार है, पार्टी लाइन से अलग हट के चलने को तैयार है सर, बिजली की समस्या का समाधान लेकिन कराइए। हम लोग फिर गए सचिव महोदय से मिलने के लिए, जिस दिन विधानसभा समाप्त हुआ उसी दिन उन्होंने कहा कि 20-25 दिन में उम्मीद है कि मामला सलट जाएगा। अब देखिए जनता तो इस बात को नहीं जानती ना, जनता तो पैसा दे रही है बिजली विभाग को, JBBL पैसा दे रही है, जनता JBBL से कनेक्शन भी लेती है, JBBL बिजली भी काटता है, तो जनता को इस DVC और राज्य सरकार के मामले में उलझाने का क्या फायदा है भाई? भाई मुख्यमंत्री जी मैं आग्रह करूंगा, हुजूर आप ऊर्जा मंत्री भी हैं, कृपया आप पहल कीजिए, आप पहल कीजिए, आपने आपको जाना चाहिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बात कीजिए, प्रधानमंत्री से बात कीजिए, जिससे भी बात करना है कीजिए, लेकिन यहाँ के जनता को बिजली चाहिए। लेकिन राज सिन्हा साहब मेरे पास एक आंकड़ा जो है वो आंकड़ा कहता है कि पिछली सरकार ही सबसे ज्यादा बकाया करके गई है DVC के पास, इस पर भी राज सिन्हा साहब कुछ बोलेंगे क्या? मतलब मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ। देखिए देखिए इसको ये ऐसा मुद्दा है ना अभिषेक जी कि इसको इसका राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ईमानदार पहल या प्रयास नहीं हो रहा है, ये एक में इसमें पहल करने की आवश्यकता है। मतलब कैसी पहल सर, थोड़ा बताएं, थोड़ा सजेस्ट करते ताकि हो सकता है अगर राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि देख रहा हो तो कम से कम उसको समझ तो आए कि करना क्या है। अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि किसी को समझे नहीं आ रहा कि करना क्या है। यही तो है कि झारखंड की जनता, धनबाद की जनता, कोयलांचल की जनता, उत्तरी छोटानागपुर की जनता, यह जनता हतप्रभ है कि आखिर हुआ क्या। कल तक सब कुछ ठीक था और सरकार बदलते ही ऐसी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि सब गड़बड़ हो गया। यही तो बात है ना, तो ये सोच रही है सबसे गजब बात राज सिन्हा साहब, क्योंकि आप तो धनबाद के रहने वाले हैं, आप ही समझ रहे होंगे कि हमारे कोयला जा रहा है और हम ही को अंधेरा में रखा जा रहा है। और किताब में पढ़ाते हैं कि झारखंड का कोयला पूरे देश को रोशन करता है और जो जो क्षेत्र कोयला देता है वही वही क्षेत्र अंधेरा में डूबा हुआ है। तो भैया ये कैसी नीति है, किसकी नीति है, किसने ऐसी नीति तैयार कर दी, कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है। मुझे तो लगता है मुझे तो लग रहा है कि चूंकि यहाँ पे अधिकांश जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं इसलिए कहीं नीति कुछ दूसरी तो नहीं है।
क्योंकि पब्लिक तो जनप्रतिनिधि सवाल पूछ रही है, पब्लिक को जनता को कोई मतलब नहीं है। अब मैं आज धरना पर बैठा हूँ, हमारे जो अन्य राजनीतिक दल के मित्र हैं जी सरकार में है, वो लोग बोल रहे हैं कि ये नाटक है। बताइए, अब इसको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहा? नहीं नहीं, इसका इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राज जी, मैं आपको बताऊं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपने विधानसभा क्षेत्र गए थे झंडा फहराने के लिए डुमरी, बाकी शिकायतें तो बाद में 90% ऐसे लोग मिले जो बोल रहे थे कि भैया 18-18 घंटे बिजली कट रहा, यही शिकायत लेकर के उनके पास गए। अगले दिन जगन्नाथ महतो पहुंचे, के वर्मा साहब को बुलाया, पूरे उन्होंने जांच परख की है कि भाई कितना बकाया है, कितना पैसा जा रहा है, कितना नहीं जा रहा। देखिए, चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं हूं उनसे ही आपको सुना देता हूं कि क्या वस्तु स्थिति है। आप सोच लीजिएगा, मतलब ये स्थिति है कि उद्योग धंधे ये चेतावनी देनी पड़ रही है कि हम लोग अपने उद्योग धंधे कल कारखाने सब बंद कर देंगे, ये स्थिति है। हमारे साथ गणक साहब हैं। गणक साहब, देखिए पूरी जनता आपको सुन रही है, राज्य सरकार भी आपको सुन रही है। एक उद्योगपति का, एक उद्योग लगाने वाले शख्स का, एक व्यवसायी का क्या दर्द है आज बताइए आप। जैसा कि सातों जिला का जो कमांड एरिया डीवीसी बिजली जो आपूर्ति करती है, आज पूरी तरह से यहाँ पे सातों जिलों में जो है, खास करके सातों जिलों में जो इनके कमांड क्षेत्र में आते हैं, 18-20 घंटे बिजली काटी जा रही है। यहाँ छोटे और मंझोले के जो कल कारखाने हैं वो एकदम चरमराई हुई है। और साथ ही साथ यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे गृहिणी हो, सभी इस विद्युत कटौती से परेशान है। मैं अभी तक ये नहीं समझ सक रहा हूँ कि रीजन कोई भी हो, आज 3 महीने से हम लोग लगातार जो है धरना प्रदर्शन और रामगढ़ बंद का भी आयोजन किया था जो अभूतपूर्व सफल रहा था, उसके बावजूद भी हम लोग को आश्वासन मिला कि भाई हम लोग को आज 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, हम लोग बिजली सुधार देंगे। परंतु ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने फिर से ये सातों जिला जो कमांड एरिया में पड़ते हैं, वहां के चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सचिवों की बैठक रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में रामगढ़ के सभागार में चेंबर भवन में हम लोगों ने किया, जहां हम लोगों ने निर्णय लिया कि आगामी 31 जनवरी 2021 को ये सातों जिलों के जो भी अधीक्षक अभियंता है विद्युत के, उनके कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना देंगे। अगर उसके बाद हम लोगों ने जो है अपनी बात 5 फरवरी को तक जो है हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद अगर नहीं इसके बाद भी बात सुधरी तो हम लोग ये सातों जिले 3 दिन तक लगातार बंदी की घोषणा करेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं, अगर स्थिति सुधरी तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने का काम करेंगे। ये आज की बैठक की हम लोग की निर्णय था। आपके बैठक में कौन कौन शामिल था? रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो के चेंबर ऑफ अध्यक्ष और सचिव और हमारे रामगढ़ चेंबर ऑफ के कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व अध्यक्षों आज उपस्थित थे। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र की विधायिका ममता देवी, गिरिडीह के विधायक सुदीप्त कुमार हमारे साथ उपस्थित थे। उन्होंने, विधायकों ने मुझे आश्वासन दिया हम लोगों को कि आपका जो भी चेंबर के माध्यम से अगर जो आंदोलन होगा, हमारा सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। राज सिन्हा साहब, देखिए, व्यवसाय जगत से जुड़ा हुआ शख्स ये बात कह रहा है, अगर कोई व्यवसाय जगत से जुड़ा हुआ शख्स ये बात कहता है कि हम किसी भी कारण से अपनी दुकान बंद कर देंगे, लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी, मेरे पास भी आए थे रामगढ़ के लोग, आए थे मेरे पास जी, उन लोगों ने मेरे आंदोलन को समर्थन भी दिया है, मैंने नैतिक समर्थन दिया है उन लोगों ने, मुझे भी बुलाया था उन लोगों ने, लेकिन चूंकि मैं पहले से घोषणा कर चुका था आज यहाँ पे धरना में बैठने का, इसलिए मैं नहीं जा पाया। मैं जानता हूँ और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये सबको मिलकर के चिंता करनी चाहिए कि कैसे इस बिजली संकट से निदान किया जाए। और यह बिजली का कहाँ समस्या है, डीवीसी के चेयरमैन है, डीवीसी के पदाधिकारी हैं, उनको बुलाइए, माननीय मंत्री जी रहे, मुख्यमंत्री जी जो प्रभार में है, ऊर्जा मंत्री के मंत्री हैं वो रहें, विधायकों को बुलाइए, भाई हम लोग को कॉन्फिडेंस लेके, हम लोग भी तो जाने ना प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, क्या प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक क्या क्या प्रयास किया डीवीसी के साथ, इस जो उनके प्रॉब्लम है, कहाँ बकाया है, कहाँ डीवीसी बोलता है कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है। डीवीसी का कहना है कि जब से सरकार आई है तब से हमारा इतना, एक लगभग 2000 करोड़ कितना बाकी हो गया,
मिला है अभी तक हमको 5 करोड़ 7 करोड़, तो इस प्रकार की जो डेडलॉक है इसको हम लोग को भी जानकारी होना चाहिए। नहीं तो एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं, राज सिन्हा साहब, राज सिन्हा साहब, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। एक मिनट के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि सरकार से इस मामले का सॉल्यूशन हो नहीं रहा है। चलिए सारी चीजें हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन फिर मेरा ध्यान जाता है सेंटर की तरफ। फिर हमको ध्यान आता है कि केंद्र में उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी से ताल्लुक आप रखते हैं। तो एक आसान सा रास्ता यह हो सकता था ना कि आप केंद्र सरकार का रुख करते हैं कि सर मेरे क्षेत्र का जो मेरे इलाके के लोग हैं बहुत परेशान है, 20-20 घंटे बिजली काटी जा रही है, तो इसका एक समाधान निकाला जाता, कम से कम आप राज्य सरकार पर प्रेशर डाल करके और इसका उपाय कीजिए। संघीय ढांचे में तो यही होता है ना कि आपका इधर नहीं सुना जा रहा, तो संघीय ढांचे की तरफ आप बड़े भाई का रुख कर सकते हैं। राज सिन्हा साहब, नहीं राज्य सरकार, देखिए देखिए अभिषेक जी, मैं तैयार हूँ, राज्य सरकार कह दे। मैंने तो पहले ही कहा कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा था कि क्रॉस द पार्टी लाइन चलिए, हम लोग तो मान लिया मुख्यमंत्री नहीं ले रहे संज्ञान, मान लिया मुख्यमंत्री नहीं ले रहे संज्ञान, तो अभी आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं राज सिन्हा जी, ये तो आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, चलिए ये गांधी जी वाला उपाय है, लेकिन इससे किसको क्या फर्क पड़ रहा है? डीवीसी अपने धुन में मस्त है, राज्य सरकार अपने धुन में मस्त है, या तो राज सिन्हा परेशान हो रहे हैं या फिर राज सिन्हा के इलाके की जनता, 7 जिलों की जनता परेशान हो रही है, जनता बेचारी बिल दे रही है, हर महीने भर रही है। जब देखिए जनता बिल तो दे, किसको बिल दे रही है? आप जनता को बोलिए कि डीवीसी, जनता को डीवीसी क्या मतलब भाई, आप बोल दीजिए कि हाँ आप डायरेक्ट कंज्यूमर बन जाइए, जनता सीधे डीवीसी से बात करेगी, हम लोग सीधे डीवीसी से बात करेंगे। आप और या सरकार कह दे कि हाँ हम फेल है, आप लोग प्रयास कीजिए, हम लोग स्वच्छ, हम लोग सक्षम है, जाकर के प्रयास करेंगे, कैसे क्या करना है देखेंगे। फिर सरकार कह तो दे कि हाँ हम नहीं इस काम को कर सकते हैं, जेबीपीएल कह दे कि भाई विधायक जी, या हम लोग को बुलाए, हम लोग को सहयोग मांगे जेबीपीएल कि हाँ विधायक जी चलिए आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग के नेतृत्व में हम लोग चलते हैं, राज्य सरकार में अभी फुर्सत नहीं है किसी को इस बात को देखने के लिए, हम लोग लगेंगे उसमें उस काम के लिए, कहाँ इनकार कर रहे हैं। चलिए हम तो बोल रहे हैं कि आप आगे आइए, ले चलिए हमको, हम चलने को तैयार हैं, लेकिन कोई तो कान पे जूही, मैंने ऐसा लगता है जैसे कि जो जगा हुआ आदमी सोने का नाटक करता है, कितने जगाई का नहीं उठेगा, तो वैसी लग रहा है कि सरकार जगी हुई है लेकिन सोई हुई है। हाँ वही, हमको क्या बोले, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। हमको याद आता है रामायण, जो स्थिति में देख रहा हूँ तो हमको याद आता है रामायण, जब हनुमान जी भूल गए थे कि वो उड़ सकते हैं। अब यहाँ वो लोग समझ लें कि हनुमान जी कौन है पहली चीज, और दूसरी चीज लोग ये डिसाइड कर लें कि इस बार जामवंत किसको बनना है, जो हनुमान जी को आकर के याद दिलाएं कि प्रभु आप उड़ भी सकते हैं। याद दिलाना पड़ेगा कि भैया कोयला हमारा है, हमारे सीने को चीर करके ये कोयला निकाला जा रहा है और हमें ही अंधेरे में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। देखिए झारखंड की बात है और झारखंड की मिट्टी की एक नेता हमारे साथ है, गीताश्री उरांव जी। ऐसे तो गीताश्री उरांव जी को मैंने अपने साथ जोड़ा था, चूंकि मैं भाषाई विवाद पर बात करना चाहता था, लेकिन मैडम एक छोटी सी मैं गलती कर रहा हूं और आपको बता के ये गलती कर रहा हूं कि झारखंड और झारखंडियों के साथ इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है, बताइए। हमारा ही कोयला है और हमारे ही लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं, 20-20 घंटा हमारे मतलब 7 जिलों में बिजली काट दी जा रही है। कारण क्या, डीवीसी बोलता है कि भैया राज्य सरकार का पैसा बकाया है, ये अब लोग तो वहां के पैसा दे रहे हैं। मैं किसी को क्लीन चिट देने वाला कोई नहीं होता, मैं मानता हूं सरकार गलत कर रही है, मैं मानता हूं डीवीसी गलत कर रही है, सब गलत है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि उस बेचारी जनता का कसूर क्या है, गीताश्री उरांव इसको कैसे देखती है। मैडम झारखंड की एक बेटी है आप, आपका इसमें प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित रूप से जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है कि जमीन और जो कोयला जो है वो झारखंड का है और उसके जो है यहाँ की जनता को ये सब कष्ट सहना पड़ रहा है आज के दिन में। मतलब ये तो दोहरी मार हो गई कि कोयला भी निकाला जा रहा है और ऊपर से इतना कष्ट भी सहना पड़ रहा है। तो ये जो माननीय विधायक हैं जो वहाँ के, उनको इस पे सही तरीके सॉल्यूशन, मैं बातें सुन रही थी आपकी कि डीवीसी का जो है आपको सॉल्यूशन जो है केंद्र से भी से निकाला जा सकता था, वहां से भी सारी ये बातों को सीधा किया जा सकता था। और जहां तक डीवीसी का ये बोलना कि बकाया राशि है इतनी, तो आखिर वो किस तरह की बकाया राशि की बात कर रहे हैं और कब से उनकी राशि बकाया चल रही है, इन सब चीजों को देखने और समझने की भी जरूरत है।
तो ये तो घोर अन्याय हो रहा है, जनता आम जनता ऐसे पिस रही है और कहीं ना कहीं लोग अपना इस बात को समस्या को सही तरीके से सुलझा नहीं पा रहे हैं। हाँ सच बात, क्योंकि सच बात यही है कि देखिए आम जनता को बिजली चाहिए, आम जनता को अपना दुकान चलाना, आम जनता को अपना घर चलाना, आम जनता को अपने बच्चे को पढ़ाना है। अमरेश गणक साहब एक आम जनता से ही चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक सदस्य हमारे साथ हैं। अमरेश गणक साहब मेरी बात से इत्तफाक रखेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता केंद्र में कौन है, राज्य में कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। उनको मतलब है कि कल उनकी दुकान खुलेगी तो बिजली के बिना वो चलेगी कैसे। उनको चिंता यह है कि कल जब वो दुकान खुलेगी नहीं तो शाम को बच्चे की फीस के लिए अगर स्कूल से कॉल आएगा तो वो फीस दिलाएगी कैसे। कोरोना ने जो स्थिति कर दी है उसके बाद कम से कम इन छोटी छोटी चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए था। इसको इतना पेचीदा कर दिया गया है संघीय ढांचे के साथ साथ, मतलब इस तरीके का कर दिया गया कि आम आदमी को तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो फरियाद करे किधर जाकर के। अमरेश गणक साहब जी सर क्या लगता है आगे की रणनीति अब क्या रहने वाली है? मतलब जो आप लोगों ने प्लान किया है वो तो चलिए ठीक है, आप लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है कि आखिर किसके पास जाकर के फरियाद करें। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो भी हम लोग का बिजली बिल आता है मैं उसका पे ही हूं, मैं देता हूं, मुझे बिजली चाहिए। इसके लिए अब कौन मुहैया कराएगा, कैसे कराएगा ये वो समझे। मैं बिजली देता हूँ, मुझे मेरे व्यवसाय के लिए, अपने प्रतिष्ठान के लिए बिजली चाहिए। और मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस तरह का जो व्यवधान आ रहा है इसको समाप्त करने का कष्ट करें। राज सिन्हा साहब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? इसी चल चिल्लाती ठंड में तो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो इसमें मतलब आगे राज सिन्हा साहब क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए हम तो सरकार के पास अपनी बात रखेंगे, फिर मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी अगर आपको लगता है कि आप अकेले बात करने में सक्षम नहीं हैं तो हम लोग को ले चलिए, आपके हनुमान बनकर हम लोग चलेंगे। यह जनता तो पैसा देती है झारखंड सरकार को, तो जनता की और सबकी उम्मीद झारखंड सरकार से। भाई अगर नहीं डीवीसी है तो और भी एजेंसी जो कहीं से बिजली लीजिए ना, झारखंड को कहीं से बिजली लेके दीजिए। अब मान लीजिए कोई दुकान खोल ले खूब बढ़िया सामान रखेगा और बिना पैसा का सामान खोजेगा तो मिलेगा? सही बात है। तो इसलिए आप जीबी से नहीं छोड़िए डीबीसी को, दूसरे एजेंसी से बिजली लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए। और कैसे ये, मैंने कहा कि पहले ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा, आप हम लोग का सबको लीजिए, सारे विधायकों को बुलाइए जी, चर्चा कीजिए क्या करना होगा। आप चलिए जहाँ बोलिएगा हम लोग आपके साथ चलने को तैयार है। हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई झारखंड को बिजली दीजिए। चलिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी हम लोग गुहार लगाएंगे, लेकिन हम लोग के नेता सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी है ना जी। तो चलिए सरकार हम तो यही उम्मीद करते हैं। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, अमूमन लोग मुझे कहते हैं कि विश्व का मैं इकलौता ऐसा एंकर हूँ जो प्राइम टाइम में लाइव चैनल पर बैठ करके एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके कहता है कि भैया मैं मूर्ख हूँ। और सच्चाई यही है, इतनी तकनीकी बात ना आम जनता के पल्ले पड़ती है और ना हम जैसे आम लोगों के पल्ले पड़ती है। हम बस इतनी सी बात जानते हैं कि शाम ढलने के बाद हमारे घरों को बिजली चाहिए होती है ताकि हमारे घर में हमारे छोटे भाई हमारे बच्चे पढ़ सके। वो पढ़ेंगे तब जाकर के कल सवाल करेंगे, वही सवाल जो कई लोगों को तिल मिला देता है। तो अब आपके तिल मिलाने के लिए वो सवाल जरूरी है और उन सवालों के लिए बच्चों का पढ़ना जरूरी है, बच्चों के पढ़ने के लिए बिजली जरूरी है और बिजली के लिए इच्छा शक्ति जरूरी है। लेकिन सवाल यही समझ में नहीं आ रहा कि ये इच्छा शक्ति दिखाए कौन और ये इच्छा शक्ति जगाए कौन। भाई मेरा काम है सवाल पूछना, मैंने राज्य सरकार से भी पूछा, केंद्र सरकार से भी पूछा और एक आम आदमी के तर्ज पर दोनों हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा हूं कि प्रभु बिजली दे दीजिए। कौन से प्रभु हैं जो इस मांग को पूरा करेंगे देख लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, राज सिन्हा साहब कहीं जाइएगा मत, गीताश्री उरांव जी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि भाषा के विवाद पर चर्चा होगी अभी। बहुत शुक्रिया अमरेश गणक साहब आपका, कहीं जाइएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।